चाहते मंत्री संदीप सिंह को बर्खास्त करो। उन लड़कियों के शरीर के ऊपर नजर रखते हैं कौन, वो जो मंत्री हैं और जो फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। हरियाणा गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। SIT जो गठित की गई है वो SIT भी जो है वो लड़की जो है पीड़ित लड़की है उसी का ही जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है। घर के जो मालक है वो उसको घर छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। अगर अपराधी को बचा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है खट्टर सरकार खुद गुनहगार है इसमें। नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। हम आज जंतर मंतर पर मौजूद हैं। हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह पर 90 दिन पहले एक यौन शोषण का मामला दर्ज हुआ था, उस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई उन पर अभी तक नहीं हुई है। आज हरियाणा की कई सारी महिलाएं दिल्ली में मौजूद हैं, वो यहाँ पर आई हैं एक हस्ताक्षर अभियान चलाने के बाद राष्ट्रपति को वो हस्ताक्षर अभियान और ज्ञापन उनको सौंपने के लिए, जिसमें लिखा है कि वो संदीप सिंह की बर्खास्तगी की मांग करती हैं। सिर्फ ये हरियाणा के खेल मंत्री का ही मामला नहीं है, हमने देखा था पिछले दिनों रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पर भी इस तरह के आरोप लगे थे और जंतर मंतर पर कई दिग्गज खिलाड़ी आकर उन्होंने वहां पर प्रदर्शन किया था। इस तरह के मामलों में क्यों बड़े पद पर बैठे मर्दों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाती है, इसको लेकर हमने हरियाणा से आई इन महिलाओं से बात की। देखिए न्यूज क्लिक की ये रिपोर्ट। सबसे पहले तो हम BJP की हरियाणा की सरकार और दिल्ली की सेंट्रल गवर्नमेंट का भी निषेध करते हैं, क्योंकि जिस तरह से जिस बेरहमी से इन लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश करी है और इन लड़कियों को कोई भी सुरक्षा नहीं दी जा रही है, उसके बारे में मुख्यमंत्री का कुछ भी नहीं कहना, उल्टा जो गुनहगार है उसी को सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं। इस लड़की के परिवार को धमकाया गया, वो जो घर में रहती थी वो घर के लोग, घर के जो मालक है वो उसको घर छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो ये तो उल्टी बात हो गई कि ये लड़कियां जो है देश का नाम इंटरनेशनल फील्ड में रोशन कर रही है। अभी भी स्पोर्ट्स में आपने देखा बॉक्सिंग में और वेट लिफ्टिंग में लड़कियों ने गोल्ड मेडल लाया, तो जब देश का नाम रोशन कर रहे हैं तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनको मदद करें, उनको सुरक्षा दे, उनको बढ़ावा दे। ये तो उल्टा हो रहा है, उनको और पीछे घसीटने की बात हो रही है, उनको उनकी ज़िंदगी में और परेशानियां पैदा करने की बात हो रही है। आज 90 डेज होने वाला है, 85 डेज हो चुका है चार्जशीट फाइल किए हुए, लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट है हरियाणा गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने सिर्फ उनके ऊपर जस्ट उनको रिज़ाइन तो कर दिया, लेकिन उनको सारे संदीप सिंह को सारे अधिकारों का अभी भी कोई विलंबन नहीं हुआ है। हम यहाँ पे आए हैं, हमने प्रेसिडेंट को लेटर देने के लिए हमने 30,000 से ऊपर साक्षर मतलब अभियान सिग्नेचर कैंपेन चलाया, जिसमें हमें सिग्नेचर्स मिले हैं और भी हमें मिल रहे हैं, लोग हमारा समर्थक दे रहे हैं और महिलाएं भी हैं उसमें, इंडिविजुअल्स भी हैं, बड़े बड़े पर्सनैलिटीज़ भी हमारे साथ हैं और उसमें जो है कुछ जो रेसलर्स हैं या जो क्रिकेटर्स हैं उनका भी हमारे पास संजोग आया है। लेकिन जो गवर्नमेंट है और जो हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि खुद एक महिला है, उन्होंने अभी तक हमें अपॉइंटमेंट नहीं दिया। हमने दो बार उनसे अपॉइंटमेंट के लिए गुजारिश की लेकिन अभी तक वो अपॉइंटमेंट नहीं मिला। आज हम यहाँ पे जो हमारे पास जितने भी सिग्नेचर्स इकट्ठा हुए हैं वो यहाँ पे हम उनको डिपॉजिट करने के लिए आए हैं। देखिए हरियाणा के अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश है और वो आक्रोश आज यहाँ दिखाने के लिए जंतर मंतर पहुँचे हैं, क्योंकि हरियाणा की लड़कियाँ पूरी दुनिया में देश का खेलों में नाम रोशन कर रही हैं, लेकिन उन लड़कियों के शरीर के ऊपर नज़र रखते हैं कौन, वो जो मंत्री हैं और जो फेडरेशंस के अध्यक्ष हैं। फैंस ईटिंग द फील्ड हो रहा है यहाँ पे, उन लड़कियों को सताया जा रहा है, उन्होंने शिकायतें करी हैं और नॉन अवेलेबल धाराओं में हरियाणा के अंदर जो खेल मंत्री है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन उनको आज तक मंत्री बनाए रखा हुआ है। और हम ये मांग कर रहे हैं कि जब तक वो मंत्री रहेंगे लड़की को न्याय नहीं मिल सकता, इसलिए उनको मंत्री के पद से हटाया जाना चाहिए। सरकार कह रही है कि हमने उनसे खेल महकमा वापस ले लिया, लेकिन हम उनसे पूछना चाहते हैं कि वो हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के आज भी अध्यक्ष हैं वो, और हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष जो हैं वो मंत्री से भी ज़्यादा खेल जगत को कमांड करते हैं, तो वो उनके पास वो पद अभी भी है।
और जो हम कह रहे हैं उसके प्रमाण सामने आ रहे हैं कि पहले जो लड़की है शिक्षा डागर बहुत ही होनहार हमारे यहाँ की एथलीट हैं वो और कोच हैं, उनको 1 करोड़ रुपए ऑफर किए गए कि 1 करोड़ रुपए लो और विदेश चली जाओ। तो और जब लड़की ने लालच में नहीं आई वो, तो आज उसको काम की जगह पे भी सताया जा रहा है, जहाँ वो किराए पे रह रही है वहाँ पे भी सताया जा रहा है, उसको जो सुरक्षा दी हुई है वो सुरक्षा उसकी सुरक्षा की बजाय उसकी निगरानी कर रही है। और तमाम कोशिशें ये हैं कि लड़की का जो है मानसिक संतुलन खराब हो जाए। और जिस तरह से हमारे यहाँ पे पहले न्याय मांगने वाली रुचिका गिरोत्रा ने आत्महत्या करी थी, तो ये लड़कियां भी आत्महत्या कर लें, इस तरह के प्रयास यहाँ पे चल रहे हैं तमाम स्तर पे। तो इसका विरोध करते हैं हम, और हम ये मांग करते हैं कि चाहे वो WFI के अध्यक्ष हैं और चाहे हरियाणा के जो संदीप सिंह हैं, उन सबको उनके पदों से हटा के निष्पक्ष जांच लड़कियों के आरोपों की जानी चाहिए, ताकि उनको न्याय मिले। और जो लड़कियां खेलों में आगे आना चाहती हैं उनके अभिभावक जो हैं वो उनकी सुरक्षा को लेकर आश्वस्त हो सके। मेरा नाम मीना हुड्डा और मैं रोहतक से आई हूँ और महिला समिति से हम जुड़े हैं। हम इसलिए आए हैं, संदीप है खेल मंत्री, तो उसने एक शिक्षा बेटी के साथ अन्याय किया, यौन शोषण किया, उसकी शिकायत भी कर दी, उसके बाद भी उसको गिरफ्तार भी नहीं किया गया और मंत्री पद से भी नहीं हटाया गया। और इससे बढ़कर और बड़ा उन्होंने किया है, जो खट्टर ने, जो पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री है खट्टर ने 3 बार ये कहा है नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे, तो ये उनके लिए बहुत ही बुरी बात है। इतने बड़े ओहदे पर जाने के बाद सोच समझ कर बोलना चाहिए, और लड़की के बारे में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि लड़की की असमत ही सब कुछ होती है, उससे आगे कुछ नहीं होता। तो कितने दुख की बात है, इसलिए हम यहाँ आए हैं, रोष प्रकट करते हैं और ये कहते हैं कि संदीप को तुरंत प्रभाव से मंत्री पद से भी हटाया जाए, उसको सरकार से बाहर निकाला जाए, तभी ये कुछ बच सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल नहीं बच सकते ये। अब जनता में इतना रोष, आप देख रहे हैं चारों तरफ कितनी इसने गुंडागर्दी फैला रखी है, हम और शब्द तो क्या कहें। लेकिन बेटियों के साथ वैसे तो कह रहे हैं कि भाई हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आगे सामने इतने ही बलात्कार के केस आए हैं और सारे मंत्रियों के आए हैं, सरकार में रहते हुए भी ये काम कर रहे हैं, इससे हमें बहुत दुख है। और ये कहना चाह रहे हैं कि भाई बेटी को न्याय मिले, को पद से हटाया जाए और उस पर निष्पक्ष जांच करके उसको सजा दिलाई जाए। अगर अपराधी को बचा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है खट्टर सरकार खुद गुनहगार है इसमें, वो पीड़िता को तो परेशान कर रहे हैं, बार बार चक्कर कटा रहे हैं और अपराधी का बचाव कर रहे हैं। हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, आज बात एक बेटी की नहीं है, आज एक बेटी का शोषण हुआ कल दूसरी बेटी का नंबर आएगा। और मैं हमारी जो नई खिलाड़ी बेटी है उनसे कहना चाहूँगी कि डरने की जरूरत नहीं है, आत्म सम्मान रखो अपना, कोई भी पद और पदक अपने सम्मान से बड़ा नहीं है, हमेशा ये याद रखना होगा हर बेटी को, कोई भी पद और पदक अपने सम्मान से बड़ा नहीं है। अगर कोई भी, चाहे उनका गुरु हो चाहे उनका कोच हो, अगर उनकी इज्जत पे हाथ डालता है तो बेटियों ने बिना डरे बिना झिझकते हुए उसके मुंह पे एक थप्पड़ लगाना है, बाद में जो होगा देखा जाएगा, ये नहीं सोचना कि वो कुर्सी पे बैठा है या वो पावर में है, सबसे पहले उसको एक थप्पड़ लगाना होगा, आवाज़ उठानी होगी, चिल्लाना होगा, किसी की हिम्मत नहीं ऐसे हमें दबाते जाएंगे। नारी कमज़ोर नहीं है, कोमल ज़रूर है हमारी बेटियाँ, हमारी बेटियाँ दूसरे देशों में जाके झंडा फहरा के आती हैं, अपने देश का सम्मान बढ़ाती हैं, उसको क्या कहते खिलाड़ियों को उठा उठा के पटकती, रेसलर इतनी ताकतवर है, तो क्या उन्हें एक मंत्री से डर जाएंगी? कहीं ना कहीं मन में एक झिझक होती, कह रही ये पावर में है तो चुप रहती, चुप नहीं रहना है, जितना तुम अन्याय सहोगे तुम्हारे ऊपर उतना अत्याचार उतना अन्याय होता रहेगा। SIT जो गठित की गई है वो SIT भी जो है वो लड़की जो है पीड़ित लड़की है उसी का ही जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है, यहाँ तक कि उस लड़की का कि वो चरित्र कैसा था, वो 6ठी क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक
कौन कौन से स्कूल में पढ़ी थी, उसका कैसा वहाँ पे बिहेव था, यहाँ तक कि उसका मतलब चरित्र का वो जो है छानबीन कर रहे हैं। दूसरी तरफ जहाँ पे वो रह रही है, जिस कमरे के अंदर, पंचकुला के अंदर, वहाँ भी मकान मालिकों के द्वारा मंत्री के रिश्तेदार जो हैं उनके साथ तरह तरह का हरेशमेंट कर रहे हैं, उनको डराने की कोशिश की जा रही है, मारपीट तक भी की गई है। और जो SIT जो उसको वहाँ पे सुरक्षा मिली हुई है, वो सुरक्षा भी जो है वो भी उस लड़की की निगरानी ही कर रही है कि ये लड़की कहाँ जा रही है, किससे बात कर रही है, क्या हो रहा है। तो यहाँ तक कि वो जो सुरक्षा मिली है वो भी आज डर लग रहा है उस लड़की को, ये सुरक्षा भी कई बार उसके लिए घातक सिद्ध ना हो जाए। तो इस तरह की हालात है, यहाँ तक कि उसके पिता की भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि वो स्कूल में प्रिंसिपल रहे थे, कैसा कैसा उसका आचरण था। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो मंत्री रहे हैं संदीप सिंह, जो आरोपी है, जाँच तो उसकी होनी चाहिए थी, लेकिन हरियाणा सरकार उसकी जाँच नहीं कर रही। दूसरी तरफ विधानसभा के अंदर भी विपक्ष जो है जब इस मुद्दे को उठाता है बार बार कि जो ये मंत्री है इसको अभी तक बाहर क्यों नहीं किया जा रहा मंत्रिमंडल के अंदर, तो वहाँ के मुख्यमंत्री जो हरियाणा के, वो पीठ थपथपा करके, मेज थपथपा करके ये कहते हैं कि मंत्रिमंडल से उसको नहीं बर्खास्त किया जाएगा। तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ये भाजपा की जो सरकार है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो बात कर रही हैं, आज बेटी जो है उसके लिए वो कह रहे हैं कि ऐवें कोई लड़की अनर्गल बयान देती होगी, तो इस तरह की जो बेतुकी बात वो कर रहे हैं, इन सब को लेकर के आज जनता के अंदर, हरियाणा की जनता के अंदर गुस्सा है। वहाँ पे जगह जगह आंदोलन भी चल रहे हैं, मुख्यमंत्री जहाँ जहाँ भी वहाँ पे हरियाणा के अंदर आ रहे हैं जिस भी कार्यक्रम में, वहाँ पे उनको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, उनका विरोध किया जा रहा है। लेकिन शर्म की बात है कि मुख्यमंत्री बिल्कुल हठकर्मिता पेड़े हुए हैं कि हम मांग करते हैं इस तरह की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ढकोसले ये बंद करे बीजेपी सरकार, जो भी है यहाँ पर उसकी जांच बिठा के, हम ये कहना चाह रहे हैं जांच बिठा के इसके जो भी आरोप है जो सिद्ध होते हैं उसी के हिसाब से इसको सजा दी जाए। मंत्री है संदीप अपने आप में बोलता है, और देखिए हम खट्टर सरकार को जनता ने ऐसे वोट नहीं दिया, हरियाणा की जनता ने इसलिए वोट दिया कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओगा, ये 15 लाख रुपए भी लाएगी बीजेपी, ये मजदूरों का भला करेगी। आज सरकार ने हमारा कुछ भी उस हालत में मजदूरों के ऊपर, ये बराबर में यहाँ पर जंतर मंतर में मनरेगा के मजदूर बैठे हुए हैं, जगह जगह पे मजदूर, किसान, लड़के लड़कियां, नौजवान बेटे, जो बेटियां बलात्कार का शिकार होती है उनको भी यहाँ पर जंतर मंतर के ऊपर आके बताना पड़ता है कि बीजेपी सरकार में जितने गुंडे मंत्री हैं वो हमारे साथ ठीक व्यवहार नहीं कर रहे। हम मांग करते हैं हस्ताक्षर के माध्यम से हम राष्ट्रपति को आज भेजेंगे। आज हमारा राष्ट्रपति ने भी देखिए एक महिला है, उसने हमारे को लगातार ये संदेश देते रहे कि हमारे हस्ताक्षर आप कलेक्ट कर लीजिए, हमारे हस्ताक्षर ले लीजिए, हरियाणा का मुख्यमंत्री एक आरोपी मंत्री को बचाया जा रहा है, हमारे को टाइम नहीं दिया राष्ट्रपति ने, फिर भी हम यहाँ जंतर मंतर के ऊपर आके अपना विरोध प्रदर्शन करके 30,000 हस्ताक्षर आज हम यहाँ पे सौंपेंगे। अगेन दोबारा फिर मैं, हम जनवादी महिला समिति हरियाणा की स्टेट कमेटी की मेंबर भी हूँ मैं, और जिला भिवाणी की जिला की सेक्रेटरी भी हूँ, और मांग करती हूँ कि जल्द से जल्द ऐसे मंत्री को सलाखों के पीछे जाना चाहिए।